कि हमारे 15 दिन के अंदर ऐसी स्ट्रेटेजी प्लानिंग करें, 20 दिन के अंदर ऐसी स्ट्रेटेजी प्लानिंग करें कि 90% आ जाए। तो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना और आएगा, मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था तो मैंने भी कुछ इस तरीके से प्लानिंग किया था, क्योंकि बीकॉम के अंदर बच्चा लास्ट में ही पढ़ता। आप ये मत समझो कि आप लेट हो गए। हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि जिन बच्चों की क्लासेस के एग्ज़ाम के बचे हैं सिर्फ और सिर्फ कितने दिन, मान के चलो 15 से 18 दिन, उनके लिए बहुत खास वीडियो, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बीकॉम सेमेस्टर 4 प्रोग्राम के अंदर क्या आज देखेंगे कि इन 15 दिन में भी जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, इस 15 दिन में भी डेडिकेटली 3 से 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे अगर आप देते हो तो आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, लेकिन 4 घंटे आपको देने होंगे। अगर आप सोचोगे ना कि कुछ ऐसा हो, ऐसा कोई सर प्लान बता दो कि 15 दिन में हो जाए, तो उसके साथ साथ जब 15 दिन में कोई चीज़ होगी ना तो मेहनत भी होगी उसके साथ। सिर्फ वर्क डन नहीं होगा, सिर्फ मेहनत भी करना होगा। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, मैं आपको इतना यकीन करो अपने ऊपर कि अगर 4 घंटे, क्योंकि देखो अब नहीं पढ़ोगे 4 घंटे पूरे टाइम, आपने 2 साल 1 साल जो भी था आपने इतना स्टडी नहीं किया, अब नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो बच्चे जून में पेपर दे रहे हैं, रेगुलर का तो चलो चल रहा है एग्ज़ाम, रेगुलर वालों का तो अभी एग्ज़ाम है, 25 को एग्ज़ाम है कॉस्टिंग का, वो भी बच्चे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं जिनका एग्ज़ाम 25 को है, बाकी जून में है जिनका। हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, कॉस्ट का है और कॉरपोरेट का है। काफ़ी सारे बच्चों को बच्चों का ये क्वेरी है कि सर कुछ ऐसा बताओ कि 15 से 20 दिन में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो मैं उसी पे डिस्कस करूँगा। अब सबसे पहले यहाँ पे 2 तरीके के स्टूडेंट हैं, सोचना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th में कंपनी वाला पार्ट बहुत स्ट्रांगली पढ़ा हुआ है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th में शेयर्स वाला चैप्टर बस निकाल दिया, अरे यार ये निकल गया चलो छोड़ो, तब भी समझ में नहीं आया था, अब भी नहीं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सबके कॉमनली स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। तो आपके पास कॉरपोरेट अकाउंट है और कॉस्ट अकाउंट है। बच्चों की गलती क्या हो रही है कि वो कॉरपोरेट अकाउंट देखते हैं, अच्छा शेयर कैपिटल, अच्छा फाइनल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस पे कूद जाते हैं। कॉस्ट अकाउंट देखते हैं पता नहीं क्या है नया, इसको बाद में देखते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कॉरपोरेट अकाउंट मुश्किल है कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंट। और बच्चा इसके अंदर क्या कर रहा है, उलझ रहा है, कभी कोई चैप्टर पिक कर रहा है, कभी कोई चैप्टर पिक कर रहा है। यूट्यूब पे मैंने सारी क्लासेस डाल दी हैं और उसमें मैंने देखो पूरे कॉन्सेप्ट डाले हैं, पूरे, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि इसका 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 इस तरीके से देख रहे हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। तो अब मैं आपको सजेस्ट क्या करूँगा, किस तरीके से तैयारी करनी है उसकी बात करते हैं। तैयारी आपको करनी है किस तरीके से, सबसे पहले आपको कॉस्ट अकाउंट के ऊपर फोकस करना है। ध्यान से देखते जाना क्या स्ट्रेटेजी है, और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉस्ट शीट और फिर करेंगे रिकंसिलेशन। जो बच्चे एप्लीकेशन पे हैं, मान लेते हैं कॉस्ट शीट की 10 वीडियो तो मैंने उसके ऊपर स्टार बना दिए हैं, 6 से 7 इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वही करें, फालतू नहीं। जो यूट्यूब पे है उस पर कोई स्टार बनाने का कोई ऑप्शन था नहीं, पूरा लिखना था क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो यूट्यूब पे डाला हुआ वो यूट्यूब वाले पूरा ही करना पड़ेगा। बस यूट्यूब वाले के लिए थोड़ा सा ये लॉस हो सकता है कि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा टाइम इन द सेंस कि ज़्यादा वीडियोज़ करने पड़ सकते हैं, ठीक है, बस ये फ़र्क है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, सेम, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप करेंगे कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट से बिल्कुल सेम मिलता जुलता, सेम इसी से कनेक्टेड रिकंसिलेशन है ये करेंगे। जब आप ये दोनों चैप्टर कर लेते हो ना, इस चैप्टर में पता है कितना दिन आपको लेना है, सिर्फ 3 दिन। जब ये आप 2 चैप्टर कर लेते हो ना, मैक्सिमम 3 दिन, तो आपके इसमें 15 नंबर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, 15 नंबर 100% आएंगे ही आएंगे। अब हमें फाइट करना है 4 क्वेश्चन के लिए, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। फाइट किसके लिए करना है, अब 4 क्वेश्चन के लिए। नाउ ये टॉपिक हमारा 15 का सिक्योर्ड हो गया। अब हम मूव करेंगे कंपनी के ऊपर, मूव किस पे करेंगे, कॉरपोरेट के ऊपर। पहले ये कंप्लीट कर लिया, हाँ भाई, करने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात है, आपने सारे वीडियोस देखे, कॉन्सेप्ट देखे, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है एप्लीकेशन के अंदर भी, उसको देख लिया आपने। उसके बाद 10 ईयर लिया,
टेन ईयर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कौन सा टेन ईयर लेना है सर, सर शिवदास का टेन ईयर लो। क्यों शिवदास का टेन ईयर? पर्सनली मैं ये बताना चाहूँगा क्योंकि मैं रिव्यू भी करता हूँ बहुत टाइम से, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, एरर कम है और एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो किया गया है। इसलिए देखिए ये आपके पास टेन ईयर है, टेन ईयर के साथ साथ देखिए यहाँ पे ना, हाँ कॉस्ट अकाउंटिंग में ना कुछ बच्चों की दिक्कत हो सकती है, सर जो आपने चैप्टर लिखा है वो टेन ईयर के अंदर नहीं मिल रहा है चैप्टर, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, तो इनको कह रखा है मेथड ऑफ कॉस्टिंग के नाम से, उसी के अंदर मिलेगा। आपका कॉस्ट शीट के नाम से कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, आप ढूंढोगे ना जब तो आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए टेन ईयर के अंदर सबसे मेन पता है क्या, मुझे सबसे पर्सनली मैं बताऊं तो बहुत अच्छी चीज़ क्या लगती है मुझे, इसमें ना चैप्टर वाइज टॉपिक दे दिए हैं कि पहले हमने ये किया, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब तो हमें कुछ चाहिए जिससे हमारा श्योरिटी तो चाहिए ना, भरोसा तो हर किसी को चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम टेन ईयर के जो प्रैक्टिकल वाले सिस्टम है, इसके अंदर इंडेक्स में मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए इंडेक्स में दो तरीके से है, एक तो थ्योरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यूनिट वाइज, और आपके यूनिवर्सिटी के पेपर। तो यूनिवर्सिटी के पेपर नहीं करना, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन निपटा लिया, श्योरिटी मिल गई कि ये डन हो गया, नाउ मूव नेक्स्ट, अब अगले पे चलेंगे। ऐसे नहीं वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद फिर खत्म, हम एक साथ ही कर लेंगे ना प्रैक्टिस, तो सारा भूलते जाओगे, लिखना जरूरी है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट का। कॉर्पोरेट में सबसे पहले क्या करना चाहिए सर, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी ये कर ले रहे हैं, कभी ये, कभी ये, सिस्टमेटिक एक फॉलो करना। कॉर्पोरेट में सबसे पहले हम करेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जिनका ट्वेल्थ में स्ट्रांग है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि वही ट्वेल्थ वाला एग्जैक्ट है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, सेकेंड ईयर में मत सोचना कुछ नया आने वाला है, सेम है। जल्दी जल्दी 2x पे वीडियो को देखिए, 1.5x पे देखिए और उसे खत्म करिए। बोनस शेयर 2 एंट्री एक्स्ट्रा, ये कर लिया, इसमें 2 एंट्री और जुड़ गया। बायबैक 2 एंट्री और जुड़ जाना है, यानी आप देखो कहने को ये चैप्टर है लेकिन इसमें 2 एंट्री जुड़ना है, तो क्या 2 एंट्री के लिए टाइम लोगे? तो इसको मैक्सिमम देखो आप जल्दी जल्दी इसको खत्म करें, ये सबसे बड़ा हर्डल है। जैसे ही आपने इसको कंप्लीट किया, इस पूरे यूनिट को खत्म करने के लिए मैं आपसे मांगूंगा 4 दिन, 4 दिन। हालांकि 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर में ये 2 चैप्टर तो है ही नहीं, 2-2 है, तो 4 दिन में आप इसको खत्म करिए। तो टोटल डेज आप देखोगे तो 3 और 4, 7 दिन गए, 20 दिन की प्लानिंग लेके चल रहे हैं। अब सर इन ड्यूरेशन में क्या हमें कॉस्टिंग का कुछ छूना? नहीं छूना, मैं 20 दिन का पूरा आपको 15 से 20 दिन का टारगेट बताऊंगा, फिर देखना कितना स्मूथली हो जाएगा। अब इसके 10 ईयर के क्वेश्चन करना, एग्जाम में 10 ईयर के रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में से क्वेश्चन बनेंगे जिसमें ये छोटे छोटे पॉइंट को मिक्स कर दिया जाएगा 15 नंबर का पहला क्वेश्चन। तो ये कर लिया डन, तो 7 दिन में आपके 2 चैप्टर यानी 15 15। अभी लग रहा होगा सर 15 ही 15 हुआ, स्लो चल रहे, अब देखो थोड़ा सा आपका स्पीड बढ़ेगा। मटीरियल चैप्टर करना है 1 दिन में हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने कॉस्ट शीट और रिकंसिलेशन किया, आपको कॉस्ट के टर्मिनोलॉजी से खेलना आ गया, क्या ओवरहेड है, क्या कॉस्ट शीट है, क्या प्रॉफिट है, क्या सीपीएल है, खेलना आ गया। नाउ टाइम नहीं लगेगा, 1 दिन में खत्म हो सकता है मटेरियल, ज्यादा नहीं 2 ही कॉन्सेप्ट है, लीफो फीफो मटेरियल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा देखने को मिलेगा, मैंने वही चैप्टर लिखे जो एग्जाम में आएंगे भाई, आएंगे, एग्जामिनर के पास ऑप्शन नहीं है, आएंगे यही चैप्टर। तो चलिए अगर मैं बोलूं, ध्यान दीजिएगा, 1 दिन और 3 दिन 4 दिन और 4 8, अभी भी मेरे पास 8 से 10 दिन है। अब पैरेलल लेके चलेंगे, 1 दिन में ये खत्म किया और पूरा दिन भी नहीं लगेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये वाला रिकंस्ट्रक्शन, यकीन मानना 1 दिन में खत्म होगा और 15 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आएगा। मैंने वीडियो अपलोड करी है, 5 और 6 क्लासेस जरूरी है, पहले के 3 क्लास देखोगे कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा, ये तो आसान है, बस एडजस्टमेंट में रुक सकते हो, उसके लिए एडजस्टमेंट देखिए। तो आपके इसके अंदर 1 दिन में चैप्टर खत्म किया जा सकता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सिंपल सी बात है सर, 3 दिन यहां लगा दिया, 1 दिन यहां, 4 4 8 और 1 9 दिन, तो देखो 30 30 नंबर बैलेंस बन गए, पास हो गए आप, जो बच्चे बोलते हैं ना पास होना है, तो 8 दिन में पास, बचे हैं 15 20 दिन, पास हो गए, 30 30 नंबर पॉइंट खत्म। पास होने के लिए 27 नंबर चाहिए आपको 75 में से, 30 नंबर बन गए। अब देखते हैं क्या करना है सर, 2 क्वेश्चन हो गए
और अब आगे देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आपको जो पिक करना है कॉन्ट्रैक्ट करिए, एक दिन में खत्म होगा, कुछ नहीं है, पी एंड एल है, सिंपल से खर्चे इनकम दिखाए, एक दो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे। हाँ, मैंने एक जो वीडियो फर्स्ट वीडियो डली है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की, उसके अंदर परसेंटेज का थोड़ा मिस्टेक है, वो आगे देख लेना, उसके लिए मैं पिंग में डाल दूंगा कि इसके परसेंटेज के लिए ये करना, उस कॉन्ट्रैक्ट की जब भी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये कर लिया, अब साइमल्टेनियसली चैप्टर लेके चलो ये, और अब आपको करना चाहिए सर CFS और फाइनल अकाउंट कौन सा करें, तो अब इसके बाद फाइनल अकाउंट करो साथ के साथ, थोड़ा साथ के साथ, ये एक दिन में खत्म कर दो, अवेलेबल है वीडियो, खत्म करिए, फाइनल अकाउंट साथ के साथ लेके चलेंगे। इसके बाद प्रोसेस के अंदर मैं कहूंगा इसमें आपका 2 दिन लग जाएगा, आराम से 2 से 3 दिन लगेगा प्रोसेस में आराम से, क्योंकि हम साथ साथ ये भी लेके चल रहे हैं, ये खत्म किया और ये चल रहा है हमारा, 1 घंटे इसको दे रहे हैं और 1 घंटे 2 घंटे इसको देने, तो 3 दिन, तो मान के चलो 2 दिन 3 दिन और 2 5 1 7 और 7 और 4 11 दिन, और ये 7 के 7 चल रहा है 11 दिन। तो मैं सिंपली क्या कहना चाहता हूं, पहले हमने एक कॉस्ट के 2 चैप्टर पकड़ लिए, फिर एक कॉर्पोरेट का पकड़ लिया, 15-15 कंप्लीट किया, उसके बाद साथ साथ भी लेके चलोगे तो दिक्कत नहीं है। वो बच्चा बहुत बड़ी गलती करेगा जिसका कॉर्पोरेट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं है, 12th में नहीं है, उसने सीधा यही स्टार्ट कर दिया। तो वेरी सिंपल सी बात करते हैं कि यहां पे टाइम लगेगा, मशीन आवर रेट और ऑपरेटिंग कॉस्ट जरूर करिए, अगर आपने मशीन आवर रेट में 2 दिन लगाए हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में 1 दिन लगेगा, सिंपल सी बात है। अगर यहां आपने 2 दिन लगाए तो यहां कितने दिन लगेंगे, 1 दिन, डेज आप काउंट करते रहिएगा कितने टाइम, एक बार लिख लीजिएगा उसके हिसाब से टाइम नोट करिएगा। फाइनल अकाउंट के बाद लास्ट चैप्टर बचता है CFS, CFS आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि 12th स्टैंडर्ड में कराया, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन में खत्म करोगे सारे एडजस्टमेंट। मैं वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं अपलोड करूँगा आप सभी के लिए। तो स्टूडेंट मैं यही बोलना चाहूँगा, जो 20 डे का सुपर प्लान स्टडी प्लान है ना, वो क्या प्लान है कि हमारा, अब मैं सिंपल सी बात करूँ फटाफट से आपको, अगर मैं डेज बता दूँ तो देखिए 3 दिन में हमारा ये ख़त्म, 1 दिन में हमारा ये ख़त्म, 4 दिन हो गए गिनते जाइएगा, 1 दिन में ये ख़त्म, 5 दिन हो गए, 1 दिन में ये ख़त्म, 7 दिन हो गए, और 7 के 7 2 दिन हम मशीन आवर को लेंगे, 7 और 2 9 और 1 दिन ये 10, 10 दिन में हमारा कॉस्टिंग पूरा खत्म हो सकता है। इससे बाहर पेपर नहीं आएंगे, इसके थ्योरी के नोट्स में आज या कल मैं अपलोड करने वाला हूं। सर थ्योरी भी याद करना है क्या, इतना करने के बाद सेफ एंड साइट, ये क्वेश्चन करोगे ना तो प्रैक्टिकल के ऑप्शन में थ्योरी आता है, और जब थ्योरी आएगा आपका, मान लो कोई प्रैक्टिकल आपको कुछ पॉइंट्स क्लिक नहीं हो रहा तो थ्योरी तो कर दोगे। मैं वो आपको ज्यादा, मेरी कोशिश यही है कि 15-16 थ्योरी बताऊं, जैसे कि मैंने ई कॉमर्स और आपका हिंदी बी में दे दिया मैंने, तो ये देखो 10 दिन में, इसके लिए 4 दिन, 10 और 4 14, और इसके लिए 1 15 दिन, और यहां मान लीजिए धीरे धीरे आपके एग्जाम तक चलता रहेगा, इसको दिन में क्यों काउंट करना है ना, धीरे धीरे एग्जाम तक मैं स्लोली लेते जाऊंगा, 1 घंटा देना बस इसको, कभी भी रात को दे दो, किसी भी टाइम दे दो, तो ये तो मान के चलो बोनस है। तो सर यहां पे देखा जाए तो हमारे ना 4 क्वेश्चन डन होंगे, 1 2 3 और 4, 4 क्वेश्चन कॉर्पोरेट में 100% डन होंगे। 1 क्वेश्चन के लिए लास्ट में स्ट्रेटेजी बनाएंगे एमलगेमेशन होल्डिंग वाले में से, थोड़ा वो टफ पड़ जाता है बच्चों के लिए, तो हम पहले तो जो बच्चे बोल रहे हैं पास नहीं हो सकते वो तो 7 दिन में पास हो जाएंगे भाई, जो बच्चे बोलते हैं कि अच्छे मार्क्स लाने हैं 15 दिन पढ़िए, आपके 75 में से आपके आराम से 60-65 नंबर आएंगे, और 60-65 नंबर पता है कितने परसेंट होते हैं, अगर 75 में से निकालोगे तो अप्रॉक्स 90% के आसपास चला जाएगा, ठीक है ना, 80 से 90% मूव कर जाएगा। तो क्या आप चाहते हो कि हमारे 15 दिन के अंदर ऐसी स्ट्रेटेजी प्लानिंग करें, 20 दिन के अंदर ऐसी स्ट्रेटेजी प्लानिंग करें कि 90% आ जाए, तो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना और आएगा, मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था तो मैंने भी कुछ इस तरीके से प्लानिंग किया था, क्योंकि बीकॉम के अंदर बच्चा लास्ट में ही पढ़ता, आप ये मत समझो कि आप लेट हो गए, क्योंकि जॉब कर रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो वो लास्ट में ही पढ़ता है, आप अभी सही टाइम पर ही देख रहे हो ये। तो आपको ये सारा मैंने स्नैरियो बताया है। अब सर एप्लीकेशन और उसकी बात करें क्या है, तो मैं कुछ बता दूं, कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एप्लीकेशन पे भी हम ले ले तो क्या फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं एक बार थोड़ा सा पॉइंट बता दूं, एप्लीकेशन पे मैंने बताया ही है कि जितने भी चैप्टर है यूट्यूब पे मैंने पूरे पूरे कॉन्सेप्ट डाले, क्योंकि यूट्यूब पे ना सब तरीके के बच्चे हैं, कोई डिटेल पढ़ना चाहता है, कोई अगस्त के लिए, कोई कब के लिए, इस तरीके से सारे वीडियो। एप्लीकेशन पे जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं वो डाले हैं मैंने क्या बना के, स्टार बना के, मान लेते हैं कि कॉस्ट शीट के 10 वीडियो थे वो हो जाएंगे 6, मटेरियल के आपके 10 वीडियो थे वो हो जाएंगे मतलब कि 50%,
जो YouTube पे वीडियो डाला है स्टार बना दिया, सिर्फ वो बच्चे जो मेरे एप्लीकेशन पे कोर्स बाय कर रखा है, जिन बच्चों ने, वो लाइव क्लास में तो मुझसे जुड़ेंगे डेली 7 बजे, सुबह 7:30 बजे डेली, वो तो लाइव क्लास में जुड़ ही रहे हैं। साथ के साथ जिस पे स्टार बना है एग्जाम स्ट्रेटेजी के पॉइंट से, सिर्फ वही वीडियो करें। और जो मैंने, देखो वो तो हो गया वीडियो करने की बात, जो मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मेट में लेके चलो, पहले कॉस्टिंग, फिर कॉर्पोरेट, अलग अलग, फिर दोनों को पैरेलल लेके चलो, 100% आपका एग्जाम होगा। तो आपको यही बताना था मुझे, होपफुली आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को डाउट लगता है ना, वो कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कमेंट। और सबसे बेटर है एप्लीकेशन के अंदर वॉइस एसएमएस का फीचर है, वॉइस एसएमएस डालिए, मैं सुन के वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नोट्स मैं धीरे धीरे सभी के बना रहा हूँ। कॉर्पोरेट की थ्योरी की बहुत डिमांड आ रही है, सर कॉर्पोरेट की थ्योरी, तो मैं बता दूँ कॉर्पोरेट में 7 से 8 नंबर की थ्योरी आएगी, जिसके लिए इतनी टेंशन होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉस्ट के अंदर आएगा, इसकी थ्योरी की नोट्स मैं 2 दिन में अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी बच्चों ने बहुत अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया वो ये वीडियो। मुझे हर तरफ से जब मैं YouTube को एनालिसिस करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है, साथ के साथ बहुत बच्चे जो है वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो आप सब सब्सक्राइब करिए, मैं डेली बेसिस पर शॉर्ट्स नोटिफिकेशन डालता रहूँगा, एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, एग्ज़ाम तक आपका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा और सारी चीज़ें गाइडेंस देता रहूँगा। तो चलिए, मैंने जैसा बोला वैसे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्ट्रेटेजी के साथ। जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे, मैं नए स्ट्रेटेजी कुछ न्यू सोच के आपके लिए करूँगा। थैंक यू सो मच।